प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगती है, ये खबर होती है, आयात नाजिल होती है कि मेरी उम्मत का गुज़र पुल सिरात से होगा, मेरी उम्मत को पुल सिरात से गुज़रना होगा, मेरी उम्मत को मैदान महशर में इकट्ठा होना होगा। हज़रात मोहतरम, तारीख शाहिद है कि मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से कुछ दूर जा कर के एक गार के अंदर पहुँच जाते हैं और गार के अंदर पहुँच कर के अपने सर को सजदे में रखते हैं और अपने सर को सजदे में रख करके रब काबा की बारगाह में अरीज़ा लगाते हैं, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। वो शम्सुद्दुहा आका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद उम्मत में हम मुसलमानों के लिए, याद उम्मत में हम गुनाहगार उम्मती के लिए इतनी दुआएं फरमाई कि आपके रोने से, आपके रोने से आपकी यहाँ पर आँखों पर नालियाँ, आंसुओं की नालियाँ बन गई थी। आप इतना याद उम्मत में रोया करते थे। कुर्बान जाओ उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस गुनाहगार उम्मत के लिए, जिस गुनाहगार उम्मत के लिए सिद्दीक अकबर से दूरी बर्दाश्त की, जिस गुनाहगार उम्मत के लिए हज़रत उमर से दूरी बर्दाश्त की, इस गुनाहगार उम्मत के लिए हज़रत उस्मान से दूरी बर्दाश्त की, इस गुनाहगार उम्मत के लिए हज़रत अली से दूरी बर्दाश्त की और जाकर के एक बयाबान में, एक गार के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा लगाते हैं, अल्लाह या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, ऐ रब मेरी उम्मत को हवाले फरमा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, वो शम्सुद्दुहा आका, बदरुज्जुजा आका, जो आका मेरा नबी सारे नबियों में लाजवाब है, ये उम्मत भी सारे नबियों में लाजवाब, सारे उम्मतों में लाजवाब है। लेकिन सुनो सुनो मुसलमानों, तुमने अपना डिफरेंस इतना पैदा किया, अपने अंदर वो फ़र्क पैदा कर लिया कि नबी की सुन्नत को ज़िंदा करते हो, नबी की सुन्नत पर अमल भी करते हो। लेकिन याद रखो, नबी की सुन्नत पर, नबी के तरीके से अमल करो जो नबी ने बताया है। दाढ़ी रखाना मेरे दोस्तों सुन्नत है, आप दाढ़ी को कटवाना शुरू कर देते हो, दाढ़ी मुड़वाते हो, दाढ़ियों को कटवाना शुरू कर देते हो। ज़रा उस नबी की ज़िंदगी को पढ़ो, उस नबी का अखलाक हसना देखो, जिसने अपने लहू लोहान खींच करके तमाम पेट से पत्थर बांध करके इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए इस्लाम अता कर दिया, कुरान अता कर दिया, हमें लहू से सींच करके ये मुअद्दल मुफस्सल इस्लाम हमारे लिए अता कर दिया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरे माजी में दिखाया था, चल करके इसलिए दिखा दिया मेरे उम्मती को चलना आ जाए, चल करके इसलिए दिखाया था कि मेरे उम्मती को चलना आ जाए, खा करके इसलिए दिखाया था कि मेरे उम्मती को खाना आ जाए, पी करके इसलिए दिखाया था कि मेरे उम्मती को पीना आ जाए, सो करके इसलिए दिखाया था कि मेरे उम्मती को सोना आ जाए। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 कुछ साल पहले तुम्हें सारा तरीका दे दिया, लेकिन मुसलमानों तुम आज अपने तरीके पर नहीं हो, नबी के तरीके पर नहीं हो, तुम तो किसी फिल्मी स्टारों के तरीके अप्लाई करते हो, किसी फिल्मी स्टार तरीकों को अपना बनाते हो, उनके तरीकों को अपना महसूस करते हो। याद रखो मुसलमानों, ये फिल्मी जो स्टार हुआ करते हैं तुम्हें अपना बनाने वाले नहीं है, ये कब्र में काम आने वाले नहीं है, ये कब्र में बिल्कुल काम आने वाले नहीं है। याद रखो मुसलमानों, किसी फिल्मी स्टार की जिंदगी को मॉडल बनाने से बेहतर है कि जब फिल्मी इंडस्ट्रीज में जाया करता है तो सबसे बड़ा कोई हीरो नजर आया करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इस्लाम के अंदर भी कुछ हीरो हैं, वो ऐसे हीरो हैं। अगर इस्लाम के अंदर किसी को हीरो देखना है तो मैदान करबला में जाकर मेरे इमाम हुसैन को देखो, सारे हीरो में अफजल, सारे हीरो में अफजल वो मेरा इस्लाम का हीरो, जिसकी जिंदगी को मॉडल बनाने से अल्लाह की कसम दुनिया भी कामयाब होती है, आखिरत भी कामयाब होती है। हुसैन की जिंदगी को मॉडल बनाओ, ना कि किसी दुनियादार की जिंदगी को मॉडल बनाओ, हुसैन की जिंदगी को मॉडल बनाओ, हसन की जिंदगी को मॉडल बनाओ, ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी को मॉडल बनाओ, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी को मॉडल बनाओ, हजरत गौसे आजम की जिंदगी को मॉडल बनाओ, साबिर साहब की जिंदगी को मॉडल बनाओ, वारिस पाक की जिंदगी को मॉडल बनाओ, या मेरे कौम के, मेरे मिल्लत के नौजवानों, सुनो सुनो, तुम्हें
हमें जिंदगी का मॉडल यूं ही बनाना चाहिए। इस्लाम का हीरो, इस्लाम के हीरो नजर आते हैं, इनकी जिंदगी को मॉडल बनाओ। बरेली के इमाम अहमद रजा की जिंदगी को मॉडल बनाओ। हुजूर ताजुल शरिया अख्तर रजा खान की जिंदगी को मॉडल बनाओ। अल्लाह की कसम, अगर तुमने इनकी जिंदगी को मॉडल बनाया, इनकी जिंदगी का आईना अपनी जिंदगी को बना लिया, तो मैं कहता हूं, मेरा ईमान कहता है कि ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी।